गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स बच्चों, हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन देख रहे हैं और एल्डोल कंडेंसेशन के छोटे छोटे वीडियो में ये सातवां वीडियो है। अगर आप थोड़ा सा समय देते हैं तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आज का टॉपिक है, जैसा आप बोर्ड पे देख रहे हैं, कि एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल। यानी हम ये तो जानते थे एल्डोल के लिए कि कोई कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन जो है वही एल्डोल देता है, और एल्डोल के लिए अल्फा हाइड्रोजन चाहिए। और ये भी पता है कि एल्डोल के लिए हम लोग एक डाइल्यूट बेस लेते थे, यानी NaOH, KOH, जो भी। क्या हम लोग एसिड से भी करा सकते हैं एल्डोल? हम लोगों का आज का यही टॉपिक है, एसिड कैटेलाइज्ड एल्डोल। आइए बिना लेट किए हम लोग सोचते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, आप जरा देखिए, ये है CH3CHO। तो हम लोग एल्डोल कैसे बनाते थे? हम लोग कोई एसिड ले लेते, सॉरी बेस ले लेते थे। इस समय एसिड लेंगे, है ना? तो हम लोग कोई एसिड ले रहे हैं, और आप विश्वास करिए कि एसिड के प्रेजेंस में भी एल्डोल बनता है, और फिर ये एल्डोल एल्कीन बना देता है, है ना? ये आपको पता है। आइए देखते हैं ये कैसे होता होगा। होता क्या है कि देखिए, ये है आपका CH3CHO, ठीक है? और आपको पता है कि कीटो जो हैं वो इनॉल में कन्वर्ट होते रहते हैं। ये है इनॉल, ये इनॉल, है ना? इन देखिए और ऑल। आपको जब टाउटोमेरिज्म हमने बताया था, तो टाउटोमेरिज्म में आपको बताया था कि टाउटोमेरिज्म में ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, वैलेंस टाउटोमेरिज्म, ओपन में डायड सिस्टम, ट्राइड सिस्टम, नहीं पहले तो कैटाइनोट्रॉपी था, है ना? कैटाइनोट्रॉपी, एनाइनोट्रॉपी, फिर कैटाइनोट्रॉपी में डायड, ट्राइड, और ट्राइड में जो 14 तरीके के होते थे, 12 तरीके के अलग अलग, उसी में ये एक कीटो इनॉल भी था, है ना? तो उसी का एक पार्ट है। इसमें होता क्या है, इसको ट्राइड सिस्टम क्यों कहते हैं? यहां से हाइड्रोजन यहां जाता है, 1 2 3, और दूसरे से तीसरे पे जाता तो डायड सिस्टम। खैर, अभी हम लोग वो डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग कह रहे हैं कि कीटो इनॉल में जाता है और ऐसे बनता है, और यही इसका मेन रिएक्टिंग स्पीसीज होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन यहां भी जरूरी है, आइए देखते हैं। पहले स्टेप में ये हम जानते हैं कि ये ऐसे होता है, अच्छा। दूसरे में अब हम क्या कर रहे हैं, ये है हमारा CH3CHO। आप सोचिए, अगर इस पे हम H+ का अटैक कराएं, तो आपको पता है H+ कहां अटैक करेगा और क्या होगा? तो आपको पता है कि CH3CH और ये OH और यहां प्लस आ जाएगा, बोलिए। और इस प्लस पे क्या होता है बच्चों, ये जो है ना, ये CH2 डबल बॉन्ड CHOH, ये प्लस अब यहां अटैक करता है किस पे? ये इनॉल पे, जो ये कीटो एक इनॉल बना के रखा है ना, दो कीटो उसमें भी लेते थे जब एल्डोल पढ़ रहे थे, तो एक कीटो इनॉल बना के रखा है, तो और एक कीटो पे H+ अटैक करके ये कैटायन बना दिया, यही कैटायन दूसरे वाले इनॉल पे अटैक करता है। जाहिर सी बात है कि यहां अटैक करेगा ताकि यहां माइनस रहे और यहां प्लस रहे, तो ये बॉन्ड बना ले, तो ये आपस में रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा बच्चों, CH3CH ऊपर OH और यहां CH2 और प्लस चार्ज OH, है ना? और फाइनली आपको पता है प्लस चार्ज है, यहां लोन पेयर है, तो एक बॉन्ड बनेगा CH3CH OH CH2 और यहां डबल बॉन्ड OH+, और फिर H निकल जाएगा और ये फाइनली एल्डोल बन जाएगा, CH3CHOH CH2CHO। और अगर आप इसको हीट कर रहे हैं तो अल्फा बीटा पे यहां और यहां पे क्या होगा बच्चों, एल्कीन, ऐसे अनसेचुरेटेड।
यानी प्रोडक्ट में कुछ सोचना नहीं है, प्रोडक्ट यही बनेगा वही बनेगा जो हम लोग बेस के साथ पढ़े थे, NaOH के साथ पढ़े थे, सेम बनेगा, लेकिन यहां एसिड के साथ बन रहा है। बस आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि पहले क्या कर लेना है, कीटो को इनॉल बना लेना है और इसको अलग लिख देना है, कीटो को इनॉल बना के फिर एक और कीटो पे H प्लस अटैक करेगा और जो कार्बोकेटायन बनेगा वो इस वाले ये यही यहां आया है, इस वाले पे अटैक करेगा और फाइनली आप देखेंगे कि एल्डोल बन गया और एल्डोल से गर्म भी करने की बहुत जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि H प्लस है ना, H प्लस यहाँ अटैक करेगा और वाटर निकालेगा तो एक एल्कीन बनाना ही होगा और वो भी कंजुगेटेड, तो आपका ये एल्कीन बन जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो एक क्वेश्चन आता है आप पहले नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, आइए अब इसमें एक क्वेश्चन आता है और वो होता है कि अगर CH3CO ऊपर कुछ ज्यादा ऊपर हो जा रहा है क्या, ओके भेजा देता है ठीक छोड़ो, CH3COCH3 है ना, इसमें अगर हम क्या करें कि डायलूट HCl डालते हैं, डायलूट HCl तो एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, उसको बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड, ये जेई का क्वेश्चन भी है, तो मेसिटाइल ऑक्साइड बन जाता है जो क्या है बहुत अच्छा सॉल्वेंट है ना, वैसे ये कोटिंग वगैरह में भी काम करता है बहुत चीजों में, और फिर से अगर हम डाइल्यूट HCl का रिएक्शन कराएं इसको आगे बढ़ाएं तो ये क्या बन जाता है फोरोन, क्या बनता है फोरोन, और फोरोन भी एक बहुत अच्छा केमिकल है जो आपके फार्मास्यूटिकल कंपनी में बहुत यूज होता है, मैंने एज अ मेडिसिन जो है उसमें बहुत यूज होता है, डाई में यूज होता है, डाई समझते हैं ना, डाई में रेजिन में यूज होता है और फार्मास्यूटिकल कंपनी में यूज होता है। एक क्वेश्चन ये है कि आप इससे बनाइए मेसिटाइल ऑक्साइड और फोरोन कैसे बनेगा, यही क्वेश्चन है कि ये कैसे बनेगा ये आपको सोचना है, आइए अब हम लोग इसको देखें करेंगे क्या, जैसे हम लोग अभी बनाए थे थोड़ी देर पहले क्या किए थे, एक ये लिए थे कीटोन, याद करिए, और कीटोन को बच्चों हम लोग इनॉल में कन्वर्ट कर दिए थे, किसमें इनॉल में, तो इसको इनॉल बना देंगे, इनॉल कैसे बनेगा, ये बन गया CH2, ये बना C, यहां OH और यहां CH3, फिर क्या करेंगे, फिर लेंगे एक कीटोन और उस कीटोन पे कौन अटैक करेगा H+, और H+ कहां अटैक करेगा यहां, और ये बॉन्ड टूटेगा, अब बनेगा CH3, यहां OH, यहां CH3, यहां प्लस चार्ज, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अब क्या होगा, यही प्लस जाके इस पे अटैक करेगा, किस पे, जो इनॉल है CH2OH CH3, इस पे अटैक करेगा, और इस पे अटैक करने के बाद क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर वो उस पे अटैक किया तो ये बॉन्ड यहां आएगा, क्यों, जहां माइनस आएगा वही तो प्लस अटैक करेगा, और यहां जैसे प्लस आएगा यहां बॉन्ड बन जाएगा, तो आगे फर्दर क्या होगा जरा वो देखिए, फर्दर ये होगा कि ये बन जाएगा CH3, यहां COOH CH3 CH2, और अगर आप कहिए कि एक स्टेप को मैं थोड़ा हटा दूं, यहां जो डबल बॉन्ड ओ होता है मैं डायरेक्ट लिख दूं डबल बॉन्ड ओ, H तो हट ही जाएगा ना, आप समझ रहे होंगे, यहां जब H प्लस अटैक करेगा, यहां जब बॉन्ड बनेगा, अटैक नहीं करेगा बॉन्ड बनेगा, तो ये H तो निकल जाएगा, तो यहां से H निकल के कहिए तो मैं डायरेक्ट बना दूं, तो ये क्या बन गया एल डोल,
एल्डोल बना ना। अच्छा ये एल्डोल जो है अगर इसको हम थोड़ा सा गर्म करें तो आप बताइए क्या बनता है। अगर इस एल्डोल को गर्म करें तो आप कहेंगे सर अल्फा यानी CH3 है ना, और यहां CH यहां CHO ये बनेगा, ये आपको जो दिख रहा है ओके। यहां C डबल बॉन्ड हो, यहां CH3 होगा है ना CH3, तो मैं इसको भी थोड़ा सा हटा दूं ना क्योंकि ये हो गया CH3 और यहां क्या बन गया डबल बॉन्ड CH2 CH3 है ना, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग मेसिटाइल ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। तो मेसिटाइल, और जैसे आप मेसिटाइल ऑक्साइड बनाए एक बार फिर देख लीजिए है ना, एक बार देख लीजिए हम क्या कह रहे हैं। ये है एसीटोन, एसीटोन को आप इनॉल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या ये इनॉल में ऐसे कन्वर्ट होगा, आप कहेंगे बिल्कुल होगा क्योंकि हाइड्रोजन जाएगा यहां और ये बॉन्ड आ जाएगा यहां, ठीक है इनॉल में हो गया। अब एक और एसीटोन है उस पे H प्लस अटैक किया और जैसे इस पे H प्लस अटैक करेगा तो ये क्या करेगा ऐसा बन जाएगा, यहां आएगा माइनस, ये इस पे अटैक करेगा और फिर फाइनली जो है एल्डोल बन गया और उसका ऐड किया। आपको क्या करना है फिर दोबारा सेम यही रिएक्शन दोबारा करके और आपको करना क्या है बनाना है फोरोन। तो मैं ये बता रहा था ना फोरोन, आप लोग करिएगा क्या कि उसी को जब मेसिटाइल ऑक्साइड को आगे बढ़ाएंगे तो फोरोन बनेगा। मैं फोरोन का आपको स्ट्रक्चर बता दे रहा हूं कि फोरोन कैसे बनता है। ऐसे यहां CH CO है ना, और आप बनाइएगा घर पे बनाइएगा, बड़ा आसान है। करना क्या है एसीटोन में आपको डाल देना है डाइल्यूट HCl और ये बन जाएगा। और कुछ क्वेश्चन जैसे मैं डेली देता हूं, मैं होमवर्क दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन जो है आप इसको करिएगा कि CCCC है ना, यहां CO है, इसमें डाइल्यूट HCl डाल के और एक बार कोशिश करिएगा बनाने का एल्डोल है ना। और ये है ना, आप ये तीनों जो है कोशिश करिए और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ अब इसमें ये देख सकते हैं कि अगर अलग अलग एल्डोल बन रहा है वहां थोड़ा सा हम सोच सकते हैं, जैसे यहां क्या है इसमें क्या है ये अलग अल्फा हाइड्रोजन है, ये अलग अल्फा हाइड्रोजन है, तो एल्डोल अलग अलग बनेगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि एल्डोल अलग अलग बन रहा है तो क्या एसिडिक और बेसिक दोनों कंडीशन में सेम एल्डोल बनेंगे मेजर प्रोडक्ट में, कि एसिडिक में अलग बनेगा बेसिक में अलग बनेगा, ये हम लोग बाद में देखेंगे। तो अभी आप ये लोग करिएगा ये क्वेश्चन और फिर हम लोग बाद में देखते हैं। थैंक यू बच्चों।